कब है तुलसी विवाह, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इसे देव शयनी एकादशी और हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 5 नवंबर 2022 को है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से 4 महीने के बाद जागते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से हुआ था। शालिग्राम को विष्णु का एक रूप माना जाता है। देवशयनी एकादशी को शास्त्रों के अनुसार सभी एकादशी तिथि में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। तुलसी विवाह 2022 तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 5 नवंबर 2022 शनिवार को है। द्वादश तिथि 5 नवंबर को शाम 6:08 से शुरू होकर 6 नवंबर को शाम 5:06 पर समाप्त होगी। तुलसी विवाह का पारण समय दोपहर 1:09 से शुरू होकर दोपहर 3:18 तक है। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के क्रोध से तेज का निर्माण हुआ। इस तेज के समुद्र में जाने से एक तेजस्वी दैत्य बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर दैत्यराज जलंधर कहलाया और इसकी राजधानी जालंधर कहलाई। जालंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। जालंधर ने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया, लेकिन एक दिन वो अपनी शक्ति के मद में चूर होकर माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत जा पहुंचा। इससे क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उसका वध करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव का ही पुत्र होने के कारण वो शिव के समान ही बलशाली था और उसके साथ वृंदा के पतिव्रत की शक्ति भी थी, जिस कारण भगवान शिव भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। तब पार्वती जी ने सार व्रतांत विष्णु जी को सुनाया, जब तक वृंदा का पतिव्रत भंग नहीं होगा तब तक जलंधर को नहीं मारा जा सकता है। भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। ऋषि को देखकर वृंदा ने महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि रूपी विष्णु जी ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उसने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की विनती की। भगवान विष्णु ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और साथ ही स्वयं भी उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास ना हुआ। जलंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार कर मारा गया। भगवान विष्णु की लीला का पता चलने पर वृंदा ने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। वृंदा के श्राप के प्रभाव से विष्णु जी शालिग्राम रूप में पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से सृष्टि में असंतुलन स्थापित हो गया। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वो भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने विष्णु जी को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो, तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। धर्म कथाएं के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।